ये दरार पड़ी है ना, बस ये वाली चीज यार, यहाँ से ना अपनी चेसी टूट गई। तीन चार व्हील सो ट्राई करता ना तो मेरी बाइक की जो चेसी है ना वो तो खत्म होने वाली थी। देख सकते हो पूरी चेसी जो है ना वो यहाँ पर इसके थ्रू है। बाइक का पूरा खर्चा आया ना, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस ये रही अपनी बाइक, आज वॉश भी वगैरह भी करवाई है तो आपके एक बार इसकी लुक चेक करवाता हूँ। यहाँ से आप लुक देख सकते हो मेरी बाइक की। और जो इसकी हेडलाइट है ना, शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, मैंने हेडलाइट पे इसकी स्मोकिंग करवाई हुई है, बट 20% है ये। बाकी मैंने बाइक भी वॉश कराई थी आज सुबह ही, तो अभी आप देख सकते हो अभी हो चुकी है शाम। तो बाकी हम कर देते हैं हेलमेट का स्ट्रैप बंद और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी बाइक का रिव्यू भी बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या करवाया हुआ है और मुझे कितना खर्चा पड़ गया इन सब चीज़ों का। यहाँ पर देखो गैंगलैंड आ चुकी है अपनी। आज मैंने वाइजर भी चेंज किया है, ऐसे में स्मोक वाला वाइजर डाल के रखता था। वाइजर इसलिए चेंज किया क्योंकि उसमें ना आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही थी, उसके साइड से एक लॉक था वाइजर का वो टूट चुका था, तो इसलिए मैंने अब ये पुराना वाला वाइजर लगाया हुआ जो क्लियर वाइजर होता है बिल्कुल। ओ भाई क्या लीन मारा यार इस बाइक पे। और यहाँ पर देख लो कुछ गेस्ट भी हमारे बैठे हुए हैं, मंकी वगैरह। अभी मैं वेली तो मार देता, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है वेली मारने का, लेकिन हमने साथ एक कांड भी हो चुका है, मैंने आपको बताया नहीं है। मेरी बाइक की एक चेसी का एक जो मेटल है साइड से वो ना थोड़ा टूट चुका है, मतलब ब्रेक हो गया। ऐसे यहाँ पर एक व्हीली ट्राई करते हैं। वो भाई मुझे लगा यार पुलिस वाले हैं, पीछे बंदे ने यूनिफॉर्म सी पहनी हुई है ना। तो गाइस व्हीली करने के बाद अपने हाथों में आ चुका है पसीना बहुत खतरनाक वाला, और अपनी बाइक की लुक भी कैसे लग रही है आप एक बार कमेंट करके प्लीज बताना। इससे पहले जो मैंने दो वीडियो डाली है उनमें मैं बिल्कुल अपनी बाइक अच्छी तरह दिखा नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपको पूरी एक एक डिटेल बताऊंगा अपनी बाइक में मैंने क्या मॉडिफाई करवाया। तो बाकी जो मेरी बाइक पे पूरा खर्चा आया ना मैं आपको बताता हूँ। 2000 रुपया टोटल मैंने अपनी बाइक में दिया है जितना भी सारा काम हुआ, ठीक है। मैं बताता हूँ 2000 में मैंने क्या क्या करवाया। गाइस मैंने व्हीली तो यहाँ पर ट्राई कर ली यार मेरे को, लेकिन एक चीज ना अभी ये बता रहा है, वो अभी बता रहा है व्हीली करने के बाद कि मेरी चेसी ना टूट चुकी है। मुझे पहले की चीज पता थी लेकिन मैं भूल गया था यार, व्हीली मारने के चक्कर में इतना मैं वो हो गया, एक्साइटेड हो गया कि मतलब मुझे पता ही नहीं था मेरी बाइक की चेसी टूट गई है। इसी का कोई एक पार्ट है मैं दिखाता हूँ यार फिर से आपको, जो ये दरार पड़ी है ना बस ये वाली चीज यार, यहाँ से ना अपनी चेसी टूट गई है, मतलब चेसी का ही पार्ट बोलेंगे वही टूट चुका है अपनी बाइक का। अगर मैं तीन चार व्हीली सो ट्राई करता ना तो मेरी बाइक की जो चेसी है ना वो तो खत्म होने वाली थी। जो बाइक की चेसी होती है ना वो ऑलमोस्ट इसी पार्ट पे टिकी होती है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो पूरी चेसी जो है ना वो यहाँ पर इसके थ्रू है। ये देखो चेसी के ये यहाँ से नीचे हो गया ना, फिर घर पे भी बाइक भी लेके नहीं जा सकता मैं। ये बंदा मुझे बोल रहा है इसको चलानी है बाइक, हम उसको बाइक देंगे, देखते कैसी चलाता है अपनी बाइक। भाई बंदा कितना खुश है यार, देखो कितना खुश हो रहा है, कितना हंस रहा है ये हमारी बाइक चलाने के लिए। अगर बाइक को कुछ हुआ ना मैं इसे पैसे लूंगा, ठीक है। मेरी बाइक को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इतनी हमें लड़कियां प्यारी नहीं, इतनी हमें बाइक प्यारा, ये मैंने डायलॉग बहुत बार मारा हुआ है। क्या कहना चाहोगे, आपकी तो गर्लफ्रेंड भी है, हमारी तो है ही नहीं। क्या कहना है, मुंह में घुसा ले फोन। मुंह में नहीं घुसाएंगे यार, सीधे बाइक दिखाएंगे आपको। ये तो मीम बन गई यहाँ पर। यहाँ पर मैं बनाने वाला एक दो रील्स, अगर आप रील देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेंशन हो जाएगी। जिस बंदे ने फॉलो नहीं किया ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी रील्स अब डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। पहले मैं रील्स ना कम डाल रहा था, बट फिर से हम रील डाल रहे हैं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर मैं शॉर्ट्स फिर से डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने यूट्यूब जो शॉर्ट्स थे ना वो मैंने डालना ऑलमोस्ट बंद कर दिए। अभी मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अपने को रेवेन्यू थोड़ी ज्यादा चाहिए, मतलब अर्निंग ना हमें थोड़ी ज्यादा चाहिए यूट्यूब से, इसलिए हमें फिर से वीडियो डालना रेगुलर स्टार्ट कर रहा हूँ शॉर्ट्स की। मेरे को अर्निंग यार बहुत ज्यादा नीड है इस वक्त, इस जो वीडियोस के पैसे ना वो पूरे नहीं होते जो मैं अभी डालता हूँ, इसलिए मेरे को ना शॉर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। अब डबल मेहनत मुझे अपने यूट्यूब पे करनी पड़ेगी। इस बाइक का ना सच बता रहा हूँ तेल पूरा नहीं होता यार बिल्कुल भी। अभी भी आप देख सकते हो अपना जो मीटर है ना वो बिल्कुल लो पे होगा। अभी भी मैंने इसमें 300 का फ्यूल करवाया, लेकिन उसके बावजूद अपनी बाइक में फ्यूल नहीं है। बाकी मैंने आपको बताना था कि मैंने अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफाई करवाया, मैं बता देता हूँ। मैंने ये चीज करवाई है, ये रैप और ये रैप अलग है, ठीक है। ये रेड वाला ये ब्लड रेड है और जो ये वाला है ना ये सिल्वर है। तो ये चीज दोनों साइड की है और उसके ग्राफिक वगैरह हमने थोड़े बनाए हैं, ये डिजाइन और ये डिजाइन, ठीक है। ये जो पैनल है ये पहले का ब्लैक था, चेसी पहले की ब्लैक थी, बस थीम चेंज किया ये वाली चेसी की और ये वाली। मैंने बस ये काम करवाया, जो पीछे से अपनी लाइट है ना उसको मैंने कराया जेट ब्लैक, तो कुछ इस तरह की लुक दे रही है। और मैंने टेपिंग के साथ ना ये करवाया ब्लैक वाले ग्राफिक्स और इसमें ये करवाया सिल्वर वाले। ये इसकी जो ये एलईडी है ना, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने एलईडी इसकी कराई स्मोक 20%। इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन में करवाई नहीं है, इससे भी यार अगर क्या ही मॉडिफाई होगी, बस एग्जॉस्ट की कमी है अपनी बाइक में। इसमें एग्जॉस्ट डालना तो मुझे कमेंट करके बताना इसमें ड्यूक में 250 में कौन सा एग्जॉस्ट डाले जो सबसे बेस्ट होगा। वो चीजें मैंने आपको बताई ना, मैंने उसी का मतलब 2000 रुपए उनको दिया, ठीक है, ये सब चीजें करवाने के बाद। और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराया। ये वाला जो पार्ट है ना ये कार्बन करवाया हुआ है, थोड़ा क्लोज से दिखाता हूं। अभी क्वालिटी अच्छी नहीं ना आ रही है कैमरे की क्योंकि अंधेरा पड़ रहा है, तो ये चीज मैंने कार्बन करवाई है। पर ये सब मैंने ना इसमें इंक्लूड नहीं है, मैंने बस यही चीज करवाई है। एक दो इसको लगा दे, तीन ये, चार वो, और पांच आगे हेडलाइट।
तो इन चीजों का मैंने दिया 2000 रुपया। बाइक अपनी मॉडिफाई करानी है तो आप कहाँ करवा सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा रोमी के पास आप जा सकते हैं, जम्मू रोमी मॉडिफाई है, गूगल पर डालोगे रोमी मॉडिफाई उसका एड्रेस आ जाएगा, प्रेम नगर वाली साइड वो रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पैसे कितने लेगा, वो चीज डिपेंड करती है आपकी बाइक पे कितना रैप लगेगा, वो जाके आप अपनी चीज उसको दिखा सकते हो कि कौन सी बाइक पे या स्कूटी पे कराना है, उसी हिसाब से वो आपको उसका एस्टिमेट बना के दिखा देगा बाइक का। रोमी का मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा और मैं ना डिस्क्रिप्शन में उसकी गूगल मैप की लोकेशन भी दे दूंगा, तो इसलिए आप शॉप पे जा पाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं, अभी इसको देनी है बाइक, देखते हैं यार ये चला पाएगा क्योंकि आगे चढ़ाई ठीक है, तो मुझे लग नहीं रहा ये बंदा चला पाएगा, पर चलो उसकी शक्ल देखो पहले भी ऐसी है। डाबक चलाने वाला अपनी बाइक को भाई यार चला गया था, धक्का मार दिया मैंने इसे, स्टैंड ऊपर कर यार हम बैठ जाते हैं इसके पीछे, इसे तो कर यार रेड वाला दबाया नहीं, बाइक खतरनाक है। किन्ने दी होनी, किन्ने दी होनी, 3 लाख और ठीक नहीं ठीक गाइस। चाचा ने यार थोड़ा चाचा चले गए ना, चाचा ने थोड़ा सा पौआ लगा दिया था। तो छोड़ दे बस, रेस दे जाने दे सुसी दा। हाँ ब्रेक देने होगी, बैक वाली देना ठीक है, मतलब पीछे वाली ब्रेक मारना, चलने दे आराम से, फर्स्ट गियर में चला कोई टेंशन नहीं है, बैलेंस करना आता है ना, जो बंदा साइकिल चलाता है यार उसके लिए तो इजीली ये बाइक चलाना भाई। 16-17 में ना बस सपने रहते थे ऐसी बाइक चलाना, लेकिन आज इसका सपना पूरा रहा तो अच्छी बात है, अगर हम खुद से किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना तो हम जरूर करेंगे। क्लच ब्रेक हाँ दे रेस, ओ भाई मेरे को लगा ये बाइक गिराएगा पक्का, पर चला ली यार लौंडे ने बाइक, उतर छोड़ वो क्लच तो वो रख ना, स्टैंड लगा पहले, एक हाथ सोरी संभाली जाएगी यार बाइक, चल बैठ भाई। अभी ना शॉप वाले यहाँ से देख रहे थे, अभी तो मैं लड़की को बाइक दूर चलाने के लिए, तो तब तो फिर दुनिया कैसे देखती है वो सब आपको भी पता है, हमारे यहाँ पर अगर लड़का भी गलत बाइक चलाएगा तभी भी लोग इतना घूर के देखते हैं, लड़की की तो बात ही छोड़ दो कि लड़की जब चलाएगी तो कैसा लोग रिएक्शन देंगे। अभी यहाँ पर अपनी बाइक को फिर से हम भगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रोड है ना वो बिल्कुल एकदम साफ है, तो तभी ट्राई करते हैं। ओ भाई ये देखो यार ये मरने को आते हैं, सच बता रहा हूँ। बाकी ऐसे हम ब्लॉक भी यहाँ एंड कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे तो बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, मुझे यहाँ पर 1-2 घंटे लग जाएंगे, 1-2 घंटे तो आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला क्योंकि अपनी बाइक पे लाइट नहीं लगी हुई है, ये जो लाइट है ना ये बस हमें दिखाने के लिए ठीक है, कैमरे में ना बिल्कुल भी नहीं दिखता। हम ब्लॉक भी एंड करते हैं, अगर ब्लॉग आपको पसंद आया, मेरी बाइक की मॉडिफिकेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, बाकी हम फिर से मिलते रहेंगे क्योंकि ऐसे नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय टेक केयर।